हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पेट के एग्जाम देने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बदलाव निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, आज के डेट में क्या बदलाव निकल के सामने आया उसके बारे में देखेंगे कि 28-29 तारीख को जो एग्जाम देने जाना है आपको, तो यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं और आपको क्या नहीं करना है, क्या चीज़ लेके जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। वीडियो लास्ट देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र एक सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप फिर जुड़ेंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि 28 और 29 अक्टूबर को परीक्षा पीईटी का होने वाला है, लेकिन दोस्तों इस बार क्या बदलाव चेंजिंग किया गया उसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों, पीईटी परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर मुकदमा होगा दर्ज, ये तो पता ही है, लेकिन यहाँ पर बदलाव देखेंगे लास्ट में। यहाँ पर देखिए, यूपी अधीन सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर FIR दर्ज होगी। जिला मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को पीईटी परीक्षा को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों ने आदेश दिया। पिछली साल कई परीक्षा केंद्रों पर नकल की शिकायत मिली थी, इस बार परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल लेकर जाना मना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी ड्यूटी लगाई जाती है परीक्षा कक्ष में, जिन भी अध्यापकों की या फिर वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई जाती है, उन्हें पहले ऐसा था कि मोबाइल वे ले जा सकते थे परीक्षा कक्ष में, लेकिन दोस्तों इस बार बदलाव ये किया गया है कि उन्हें मोबाइल ले जाना मना कर दिया गया है। मतलब परीक्षा केंद्र में कोई भी मोबाइल नहीं ले जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, 2021 में जब पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था या फिर 22 में हुआ था, तो यहाँ पर कई सारे पेपर वायरल हुए थे जिसमें बताया गया था कि परीक्षा कक्ष में ड्यूटी के दौरान ही किसी टीचर वगैरह ने फोटो खींच के उसको अपलोड कर दिया था, वायरल कर दिया था। तो दोस्तों इस बार यह चीज़ देखा गया, तो मोबाइल अंदर लेके जाना मना होगा। DM सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि पीईटी में लगी ड्यूटी के दौरान कोई अनुपस्थित मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 28 व 29 अक्टूबर को और परीक्षा नहीं होगा। 49 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 99,000 से अधिक। यहाँ पे तो बात यह जा रही कि कहाँ पे, लखनऊ की बात हो जा रही। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बदलाव यह किया गया है कि पिछले साल जो भी मोबाइल ले जाना था उसको जो है इस बार अलाउ नहीं किया गया। बाकी जहाँ पे परीक्षा केंद्र पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो दोस्तों आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आधार कार्ड जरूर रखिएगा, मतलब आधार कार्ड या फिर जो है पैन कार्ड जो ओरिजिनल वाला होगा वह चीज़ रखिएगा। फोटोकॉपी नहीं मांगते हैं सब, तो आपको ओरिजिनल आईडी लेके जाना है और आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। उसके बाद एक पेन लेके जाना है ब्लैक कलर का, जो कि मोटे चलता हो, जिससे आप गोली बना सकें। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोटो भी लेके जाना है, 2 से 3 फ़ोटो ले लीजिएगा, और प्लस आप जो है बॉटल भी पानी का ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको ज़रूर लेके जानी है। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं होने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ट्रेन का रूट से देख सकते हैं, ट्रेन वगैरह और बस वगैरह के लिए क्या तैयारी किया गया है उसके बारे में भी। यहाँ पे स्पेशली कई सारे बसें जो है अतिरिक्त चलाई गई हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 100 अतिरिक्त बसों को चलाया गया है। बाकी इसके बारे में आप जो है अधिक जानकारी जो है अपने नियर बस स्टैंड वगैरह से पता कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी लेना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।